पिछले 9 दिनों से चल रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशनल प्रोग्राम टाइम्स NIE की हुई क्लोजिंग सेरेमनी, जहां कई स्टार्स ने अलग अलग जगहों पर आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। नीतू चंद्रा को याद आ रही है अपने बचपन की बातें, सुदेश बेरी लौट जाना चाहते हैं अपने बचपन में, और गौरव चोपड़ा तो लगता है जैसे बच्चे ही बन गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सब हो रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशनल प्रोग्राम टाइम्स NIE की क्लोजिंग सेरेमनी में। मुझे उस वक्त की याद दिलाते हैं जब मैं छोटी थी और मैं अपने मॉम के साथ हाथ पकड़ के किसी भी फंक्शन में जाती थी और दौड़ती थी और वहाँ मुझे अवार्ड मिलता था। आई यूज़ टू गेट वेरी एक्साइटेड। सो आई थिंक NIE हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड द वे दे हैव प्रेजेंटेड द होल थिंग इज अमेजिंग। आई रियली थैंक्स NIE फॉर दिस। अगर मुझे मौका मिले रिवाइंड होने का, या कहीं से अगर मुझे भगवान आके बोले कि एक मौका दे, तो मैं बोलूँगा मुझे रिवाइंड करके फिर से मुझे स्टार्ट से बच्चे बना दो, अभी वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्कूल इज इनोसेंट एंड स्कूल इज फन एंड यू नो दैट इज वेयर योर बेयरिंग्स कम फ्रॉम, व्हिच इज व्हाई आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टफ लाइक दिस बिकॉज वेयर एल्स विल चिल्ड्रन लर्न दिस। हर साल की तरह इस साल भी टाइम्स ग्रुप ने रखा अपना टाइम्स NIE का 9 डेज का वर्कशॉप, जिसमें ढेर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इन्हें एनकरेज करने के लिए सेलेब्स ने भी काफी मस्ती की। जरा सुदेश बेरी की सुनिए क्या कहा इन बच्चों को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमिताभ बच्चन, साइलेंट। और नीतू चंद्रा तो जैसे ही एंटर हुई बच्चों की खुशी दुगनी हो गई। और जरा हैंडसम हंक गौरव चोपड़ा को देखिए, गौरव की फिल्म मैन विल बी मैन होने वाली है कुछ ही दिनों में रिलीज, जो है कॉमेडी फिल्म। ये तो यहाँ बच्चों के बीच ऐसे मिक्स हो गए कि अपना स्टार पावर ही भूल गए। यहाँ आकर इन स्टार्स ने विनिंग बच्चों को गिफ्ट दिए और टाइम्स NIE की इस प्रोग्राम की तारीफ भी काफी की। इसके अलावा इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। मैं टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो NIE है, जो न्यूज़पेपर इन एजुकेशन, जिन्होंने ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, ऐसा चिल्ड्रन फेस्टिवल, एंड दे हैव बीन हैविंग दिस फॉर 9 डेज और आज रैप अप है, इतने सारे बच्चे, उनको अवार्ड्स मिला। इट्स नॉट जस्ट अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बट आल्सो एन इंपेरेटिव इनिशिएटिव। You have to have things like this in the middle of the PS3s and the IPLs, you know, that are hogging the children's imagination. That you also need to have things like this, you know, the basic talent, the basic craft that needs to be passed on from one generation to another generation. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बच्चा, अभी फिर से कॉलेज में, स्कूल में पेंटिंग करूँगा, जेवलिन थ्रो करूँगा, दौड़ूंगा, फिर मुझे अवार्ड मिलेगा। ऐसे ये जो अवार्ड लेके जा रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से एक अवार्ड मैं छीन लूँ और बोलूँ ये मेरा अवार्ड है। Well, इनके अलावा यहाँ अमोल गुप्ते और फेमिना मिस इंडिया 2011 विनर कनिष्ठा भी मौजूद थी। Well, टाइम्स का ये एजुकेशनल प्रोग्राम रहा काफी सक्सेसफुल। We hope next year भी टाइम्स NIE ऐसे ही बच्चों को एनकरेज करेगा। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई।